ईश्वरदत्त बड़ौदा विधानसभा सीट पर दावेदारी जता रहे हैं। इसी को लेकर डॉक्टर ओम प्रकाश शर्मा सहित बड़ौदा के बीजेपी कार्यकर्ताओं ने नाराजगी जताई है। खास बातचीत की संवाददाता विनोद लाभा ने। बीजेपी में टिकट को लेकर लगातार मंथन चल रहा है, तमाम राउंड की बैठकें हो रही हैं और हरियाणा भवन में भी अच्छी खासी भीड़ देखने को मिलती है। टिकटार्थी भी आते हैं, मुलाकात करने की कोशिश करते हैं सीएम से और सीएम मुलाकात भी करते हैं, लेकिन कुछ और बात रखना चाहते हैं हमारे साथ। नाम क्या है आपका? डॉक्टर ओम प्रकाश शर्मा, मैं प्रदेश में सह प्रमुख हूँ सहयोगी विभाग का और फाउंडर मेंबर हैं बीजेपी के और लगातार हम मंडल सत्र से लेकर जिला सत्र और प्रदेश सत्र तक कार्य कर रहे हैं। बच्चों समेत मेरी मिसिज भी प्रदेश में श्रीमती शकुंतला शर्मा समेत हम सुचारू रूप से लगातार काम करने वाले हैं और आज तक कभी भी कहां के लिए आवेदन किया, कौन सी सीट? मैं पहले नंबर पर बड़ौदा हलका से मेरी रुचि है, बड़ौदा हलका मेरी कर्म योग है, वहीं कर्म करता हूं, वहीं दुख सुख में साथी में सभी जगह। बड़ौदा से तो दावा ठोक दिया, योगेश्वर दत्त रेसलर हैं, पहलवान हैं और बड़ा नाम है उनका। देखिए, दावा ठोक तो हर आदमी ठोक सकता है, आप भी जाके वहाँ ये बात कह सकते हो मैं यहाँ से चुनाव लड़ना चाहता हूँ। मैंने तो आवेदन नहीं किया उसके लिए, तो आवेदन कोई भी आदमी जनमान कोई भी कह सकता है, लेकिन हमारी इच्छा क्या है, कार्यकर्ता है जो कर्म भूमि जो काम करने वाले लेवल पे ग्रास रूट पे हैं उनको तवज्जो देनी चाहिए। हमारी संगठन से भी, आदरणीय मुख्यमंत्री से भी यही प्रार्थना करते हैं, कार्यकर्ता बंधु हैं और जो आदेश हमारे को मिलेगा हम तो उस पर खड़े उतरे। आज मेरी जो जानकारी है गन्नौर और बड़ौदा में से एक जगह योगेश्वर को उतारा जाएगा, ऐसा अभी तक ऐसा कोई पता नहीं चला। बाकी हम बड़ौदा हल्का से कैंडिडेट हैं, इसलिए हम अपनी बात रखने के लिए सीएम साहब से मिलने के लिए आए। मुलाकात हुई नहीं हुई आज? नहीं, अभी होने वाली है, अभी 8 बजे के करीबन, 7:45। नहीं, आपका पॉइंट मैं समझ नहीं पाया, आप क्या कहना चाह रहे हैं कि भाई बड़ौदा से लगातार है हमारा, हम टिकट मांगते हैं और दूसरा कोई नहीं हो सकता। अगर दूसरा समक्ष हमारे प्रति जिन्हें काम किया है अगर किसी कार्यकर्ता बंधु को संगठन देता है तो हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। अगर बाहर से एकदम से ऊपर से कोई भी आदमी आया है तो पीड़ा होती होती है, कोई भी संगठन में काम ना किया हो, जो पार्टी से जुड़ा ना हो, हम कोई भी कार्यकर्ता नहीं चाहता। हरियाणा की बात है और मैं अपने क्षेत्र से भी सभी कार्यकर्ता बंधुओं की तरफ से कहना चाहता हूं, आगे आपके माध्यम से भी कहना चाहता हूं, आदरणीय मुख्यमंत्री जी भी इस बात से अवगत हैं, बहुत भले इंसान हैं और इस बात पर वो सोचते भी हैं। आपका पॉइंट क्या है कि भाई वहाँ नहीं कोई नया आदमी को टिकट ना मिले, नए आदमी को नहीं, कोई भी है जिसने काम किया, अगर आज रूट पे जो हल्के में काम करते हैं कार्यकर्ता उनके मान सम्मान के लिए कार्यकर्ता को ही टिकट। से कितने लोग आए हैं बड़ौदा से? टिकटार्थी तो यही है, बाकी बड़ौदा से और लोग भी आए हुए थे, सीएम साहब ने सबको कह दिया अगर आप जाओ टिकट का फैसला पार्टी करेगी। और आप तो एक ही बात कह रहे हो ना कि पार्टी के आदमी मिलना चाहिए, एकदम आके कोई हेलीकॉप्टर से हेलीपैड से ना उतर जाए। हाँ हाँ, और योगेश्वर उतर चुके हैं, योगेश्वर उतर चुके हैं तो मुख्यमंत्री को अवगत करा दिया गया है। पार्लियामेंट चुनाव में योगेश्वर दत्त दीपेंद्र हुड्डा और भूपेंद्र हुड्डा के साथ था, उन लोगों को हराने में था अरविंद शर्मा और रमेश कौशिक को। जब इस तरह की बात सभी वर्करों ने देखी है तो वर्कर कैसे साथ देंगे आप बताइए? लोकसभा में ही, इसी लोकसभा चुनाव में, इसी लोकसभा चुनाव में देखा था ये रेस दोनों पार्लियामेंट में, रोहतक मंच से, मंच से, मंच से और सभाओं में फोटो देखेंगे इनके, फोटो देखेंगे दीपेंद्र हुड्डा जी के साथ फोटो है इनके। नहीं, वो मुलाकात अलग थी, मंच की बात कीजिए, राजनीतिक तौर, राजनीतिक मंच के तौर पर है तो यही कह रहे हैं आप भी शर्मा जी? हाँ, मैं इस बात को मैं अपने व्यक्तिगत तौर से ये गलत मानता हूँ, नए कार्यकर्ता इस तरह के आते हैं वो पार्टी के हित में नहीं होते और पार्टी के बारे में अच्छी बात है। और ये कांग्रेस का साथ देने वालों में से एक कौन? ये मिस्टर योगेश्वर दत्त है, ये हमारी पार्टी के संग नहीं थे लोकसभा चुनाव में, हमारे संग नहीं थे ये लोग, तो विरोध तो होगा फिर उनका? हाँ, विरोध तो स्वाभाविक है, कुछ बातें ऐसी होती हैं, विरोध तो होता ही होता है, लेकिन हम तो पार्टी से बंधे हुए इंसान हैं। हम तो एक बार नाम फिर बता दीजिए अपना। मैं डॉक्टर ओम प्रकाश शर्मा। ओम प्रकाश शर्मा जी और इनके आए तमाम जो समर्थक हैं साफ तौर पर एक ही बात कह रहे हैं, पार्टी किसको टिकट दे ये पार्टी का फैसला है, संगठन का आदमी हो बीजेपी का आदमी हो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कल तक यानी कि लोकसभा चुनाव तक जो खड़ा नजर आता था योगेश्वर दत्त का नाम लेकर कह रहे हैं बाकायदा कि कांग्रेस की मदद करता था भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा के मंच पर था, अब बीजेपी ज्वाइन करने में 2 दिन के अंदर वो बीजेपी का कैंडिडेट कैसे बन सकता है, और बड़ौदा से चर्चा भी है और खुद हमारे साथ टोटल न्यूज़
के साथ बातचीत में खुद योगेश्वर ने भी माना था कि दावा है उनका गन्नौर और बड़ौदा दोनों विधानसभा सीट से, और बड़ौदा से ज़्यादा इच्छा है उनकी चुनाव लड़ने की। डीएसपी पद छोड़कर आ रहे हैं, ये बड़ी बात है। क्या आश्वासन मिला है कि इतना बड़ा पद छोड़ने के बाद अब वो आए? और ये जो तमाम कार्यकर्ता हैं टोटल न्यूज़, इनकी बात भी जनता तक और जो टीवी देख रहे होंगे तमाम पदाधिकारी, चाहे सीएम हो, प्रदेश अध्यक्ष सुभाष बराला हो, उन तक भी इनकी आवाज़ पहुँचाने का काम कर रहा है। कैमरा पर्सन विपिन रावत के साथ विनोद लांबा, टोटल न्यूज़, दिल्ली।